नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला कमलापुरी गढ़वा दृष्टि से आप समस्त लोगों को इस चुनावी यात्रा में स्वागत है। आइए आज हम भानापुर प्रखंड क्षेत्र के चपरी पंचायत में आए हुए हैं, जहां से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। इनसे मिलकर जानते हैं क्या है इनकी चुनावी मुद्दे और क्या है इनके विकास के एजेंडा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजीत कुमार चौबे, मैं चपरी पंचायत से मुखिया पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा आगे का कार्यक्रम है कि मैं यहाँ जितने भी लोगों का वृद्धा पेंशन राशन कार्ड में लोग कट गया है, आवास में नाम कट गया है, उन को अधिक से अधिक लोगों को आवास दिलाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ से रोड की जितने रास्ता बाधित हो रहा है, बहुत सी सारी कष्ट हो रहे हैं, बहुत जगह से रास्ता की प्रॉब्लम हो रहा है, वो रास्ता को समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। और अधिक से अधिक में मात्रा में लोगों का जो नाम कट चुका है सरकार की व्यवस्था से, पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, ये सारी सुविधाएं का व्यवस्था हम करने का। प्रधानमंत्री आवास अभी बहुत लोगों को नहीं मिला है, इस पर क्या आपकी पहल रहेगी? प्रधानमंत्री का आवास इसके पूर्व में जो मुखिया थे उसमें कटिंग करके उन बहुत लोगों का उसमें निकासित कर दिए। अच्छा। जिसके चलते वो 413 आवास जो है सो नहीं मिल पाया, ब्लैक लिस्ट में चला गया। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट अगला जो कार्यक्रम सरकार का जो होगा, उसके बाद जब हम लोग आएंगे तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने का प्रयास। अगर आपने अभी तक समाज अपने पंचायत में समाज सेवी के तौर पर क्या क्या किया, उसके बारे में बताइए। हमने समाज सेवी के तौर पर मैं अपने से ज़मीन खरीद कर पिच रोड से भजरा टोला तक सिंगी ताली ग्राम में रोड बनवाया, अपने से ज़मीन खरीद कर रोड बनवाया, और प्लस 11,000 लाइन पार कर विद्युतीकरण का पूरे 440 वोल्ट का भजरा टोला को दिया। भुइयां टोली हरजन टोला सिंगी ताली में आज तक 40 वर्ष के पूर्व में अभी तक लाइन नहीं जला हुआ था, जो कि हमने आज के 2-8 साल पहले मैं अपने से खुद कराया। 2008 में मैं पोल गड़वा कर बिजली खड़ा कर सारे लोगों को सुविधा मुहैया कराऊँ, जिसमें कि एक भी बल्ब नहीं जल रहा था, हरजन के घर भाई में एक भी बल्ब नहीं जल रहा था, बल्ब जलाने का काम किया हमने। और सारा जो भी यहाँ से कोई कार्यक्रम होता है, किसी भी गरीब के यहाँ शादी ब्याह कार्यक्रम में जो पहुँचते हैं, वहाँ जो अधिक से अधिक साथी होता है उसमें हम मदद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर जनता चपरी पंचायत की जनता अगर आपको जिताती है तो आपकी विकास की रणनीति और अपने पंचायत को चौमुखी विकास की ओर कैसे ले जाइएगा, कैसे अपने पंचायत के लोगों को आप आगे कीजिएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे पंचायत में सबसे पहला तो शिक्षा का व्यवस्था जो है सो एकदम सुदृढ़ होना चाहिए। अच्छा। दूसरा बात, ये जो आज भी जल मीनार जो पड़ा हुआ है, जो भी जितने भी जल मीनार लगे हुए हैं उसमें किसी भी पब्लिक को 15-16 घर को जो पानी देना है उसमें कहीं पाइप नहीं लगा हुआ है। पहला कार्यक्रम को उसको पाइप लगा कर सब लोगों को पानी देने का प्रयास करूँगा। दूसरा बात है कि लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोगों का आवास में जो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, भटक रहे हैं कि मैं पैसा के अभाव में आवास नहीं, किसी के साथ कोई भी रिश्वतखोरी की बात नहीं है, निष्पक्ष स्वच्छ भाव से काम करूँगा और उन लोगों को अधिक से अधिक प्रयास करके सब लोगों को हम आवास देने का प्रयास करेंगे और लोगों का काम कराएंगे हम। मेरा चुनाव चिन्ह सेव छाप है, क्रमांक संख्या 1 पर है, और मैं सारे लोग से अपील करूँ, चपरी पंचायत के पूरे समस्त ग्रामीण जनता से अपील कर रहा हूँ कि क्रमांक नंबर 1 पर सेव छाप पर अधिक से अधिक संख्या में मोहर लगाकर विजयी बनावें और लोगों का मैं आभारी हूँ।